नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। सतवास तहसील के अंतर्गत कांडाफोर विद्युत विभाग के अंतर्गत आने वाले जिनवाड़ी सहित आसपास के ग्रामों में किसान कम वोल्टेज से परेशान है। किसानों का कहना है कि रात्रि के समय 4 घंटे और दिन में 6 घंटे लाइट दी जा रही है, वो भी बार बार वोल्टेज कम होने से सिंचाई नहीं हो पा रही है, जिसके कारण हमारी फसलें खराब हो सकती हैं। इस समय रवि फसलों में सिंचाई का कार्य किसानों द्वारा किया जा रहा है। देर रात को किसानों को लाइट दी जाती है, वह भी कम वोल्टेज के साथ, जिसके चलते पूरी रात किसान परेशान रहता है। पहले ही किसान की सोयाबीन की फसलें पूरी तरीके से चौपट हो चुकी हैं। अब किसान को सिर्फ गेहूं और चने की फसल से ही आस है, लेकिन उसके बाद भी विद्युत विभाग के द्वारा इस प्रकार की लापरवाही कई प्रश्नों को खड़ा करती है। शुक्रवार को जिनवाड़ी क्षेत्र के कई किसान कांडाफोर विद्युत ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्या विद्युत विभाग जेई धनंजय परिहार के सामने रखी। किसानों का कहना है कि जल्दी हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो हमें उग्र आंदोलन पर उतरना होगा। हम पहले ही काफी परेशान हो चुके हैं। विद्युत विभाग के द्वारा मोटे मोटे बिल तो दे दिए जाते हैं, लेकिन समय पर सिंचाई के समय लाइट नहीं दी जा रही है। हालांकि जय धनंजय परिहार ने मौके पर टीम के साथ पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर समस्या का हल करने का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन अब देखना यह है कि इस समस्या से किसानों को कब तक राहत मिलती है, या फिर एक बार किसान सड़कों पर उतरने को फिर से मजबूर होता है। बहुत परेशान कर रही है। कल 11 बजे 11:15 का समय है, तो 11 बजे आई 10 मिनट के लिए और 1-1.5 घंटे तक लाइट नहीं, और इसके बाद आई तो बार बार ट्रिप मार रही है लाइट। अधिकारियों को सूचित किया गया आपके द्वारा? फोन भी लगाया, 2 बार लगाया साहब को। फिर क्या कार्रवाई की? यहाँ से खराब है, ग्रिड से खराब है, अभी तक सुधार हुआ नहीं। आज आप कार्यालय में आए, आपको क्या बोला गया, क्या आश्वासन दिया गया? तो आपने बोला मैं चल के देख रहा हूँ। कोई गया अभी तक? तो अब जाने का बोल रहे हैं। अभी तक कोई चालू नहीं हुई आपकी लाइट? चालू है, वोल्टेज भी नहीं है। 2-3 रोज से इन्होंने क्या मालूम बिजवार से जोड़ी, क्या मालूम कहाँ से जोड़ी, परेशानी आ रही है। यहाँ काम चला था ग्रिड पे, 1 रोज दिन भर लाइट नहीं थी, उसके बाद से परेशान कर रही। किस ग्राम की घटना है? जिनवाड़ी ग्राम। कितने किसान लगभग? यहाँ तो अभी करीब 10-15 किसान आए हैं पूरे क्षेत्र में। परेशानी तो पूरा गाँव वाला कुछ है ना, पूरे किसान ही परेशान है। लाइट दिन में रहती है रात में रहती है? रात में आती 4 घंटा, दिन में 6 घंटा आती है जी। तो 6 घंटा समय रहता है, 11:15 का आती 11:30 बजे, और कट भी जाती है 1/2 घंटे पहले, और बीच में भी खराब हो जाती है, और लाइन बार बार जाती है। रात में पानी फेरने में दिक्कत आती है? पानी फेरने में भरे में पानी जाता है, अभी दूर लाइट चली जाती है, फिर वापस उसी भरे में पानी जाता है, लाइट चली जाती है। रात भर जागना होगा आपको? जागना ही पड़ता है रात भर, लाइट चले या नहीं चले। समस्या बताई गई, उसमें क्या निराकरण करना जा रहा है? आज जिनवाड़ी क्षेत्र के कुछ किसानों द्वारा सिंचाई की जो विद्युत प्रदाय है उसमें वोल्टेज समस्या संबंधी कुछ ट्रांसफार्मरों से शिकायत आई है, जिसके निराकरण हेतु अभी हमारे जो क्षेत्र से संबंधित कर्मचारी हैं वो, और मैं स्वयं मौके पर जाके भौतिक निरीक्षण करने के उपरांत उसमें क्या सुधार किया जा सकता है इसका निर्णय लेके आज ही वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराएंगे और उनकी समस्या का निराकरण कर रहे हैं। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। 1-2 दिन में होना चाहिए, 1-2 रोज में कुछ सुधार नहीं हुआ तो बिल्कुल करेंगे। हाँ, वो तो पूरे गांव के किसान। सतवास से समय जगत के लिए संवाददाता रविंद्र परमार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।